नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईबी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो सीरीज में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। ये वी लुकअप और एक्स लुकअप की कंपेयरिंग सीरीज है, जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप और एक्स लुकअप के अंदर क्या क्या समानता है, क्या क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम एक चीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वी लुकअप और एक्स लुकअप पे होने वाली प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज चाहिए विथ प्रैक्टिस फाइल, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये ऐप लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप इसकी सारी के सारी वीडियोज एंड सैंपल फाइल एंड प्रैक्टिस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो यहां मुझे मान लीजिए कि 110 का क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है जब तक कि मैं एम्प्लॉय आईडी को कट करके इसके स्टार्टिंग में ना रख दूं। बट प्रॉब्लम है कि कई बार ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप अपने कॉलम को इधर से उधर हटाएं। तो इसके लिए हमने आपको वी लुकअप की सीरीज में इंडेक्स और मैच या ऑफसेट और मैच के बारे में बताया था। चलिए एक बार और बताता हूं कि इंडेक्स यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिए और फिर मैंने यहाँ लगाया फॉर्मूला मैच का। किसका? मैच का। मैच फॉर्मूला में हमने इस 110 को लुकअप किया इस एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलन में और यहाँ पे कॉमा 0 कर दिए। अब यहाँ पे कॉमा मुझे चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि है 1 2 3 4 चौथे नंबर कॉलम में, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आया। अब वी लुकअप से ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैच और इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक्स लुकअप लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स लुकअप में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी आईडी वाला पार्ट पहले हो या लास्ट में। तो हमने यहाँ पे 1011 को सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू में गए और इस एम्प्लॉय आईडी को ले लिया, रिजल्ट बैक रिटर्न में गए और इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ले लिया। एंटर प्रेस करें तो देखिए आया। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा तो डेट में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि 1011 का G1 हो गया और ये आपका CNC हो गया। डेट आया यहाँ पे 18, यहाँ पे 7 हो रहा है। क्यों? A1 से D3 और D1 से D32 बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये 18 अप्रैल क्यों ले आया? 1011 18 अप्रैल, ये रिजल्ट सही है। पर 7 अक्टूबर जो दे रहा है ये रिजल्ट गड़बड़ है। 1 2 3 4, अच्छा वो माफ कीजिएगा, हमें 3 देना। बिल्कुल सही है। इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा स्क्रीन पे नंबर है 9102579388, इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं। Recording stopped. और प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे सीरीज आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। थैंक यू।